हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं और दूसरे प्लांट के अलग अलग हिस्सों के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। कुछ प्लांट्स की पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको उनको पहचानना है और उनका नाम लिखना है। जैसे पहले वाला प्लांट है कोकोनट ट्री, तो यहाँ पर आपको कोकोनट ट्री लिखना है। इसी तरह से बाकी के प्लांट्स को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। और दूसरी एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर एक वर्ड्स की ग्रिड दी गई है, एक टेबल दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पर पिक्चर्स भी बनी हुई हैं और नाम भी लिखे हुए हैं स्पेलिंग में, उनको छांट करके लिखना है। जैसे रोज, तो ROSE, रोज। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग साइज के, शेप के। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत साल तक रहते हैं। कुछ में फूल होते हैं, कुछ में बिना फूल के होते हैं, कुछ में फल भी होते हैं और कुछ में सिर्फ लीव्स होती हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। प्लांट्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले बड़े प्लांट, जिनको हम ट्रीज बोलते हैं, जैसे कि नीम का पेड़, बरगद का पेड़, कोकोनट का पेड़, जो कि बड़े, लंबे और मजबूत होते हैं और बिना किसी सहारे के खड़े रह सकते हैं। इनका तना बहुत ही मजबूत होता है, लकड़ी का होता है, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं। इसके बाद श्रब होती हैं, जो पेड़ से कुछ छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं, और इनका जो तना होता है वो पतला होता है, ब्राउन कलर का होता है जनरली, और लकड़ी का होता है। इनको हम श्रब्स बोलते हैं। इसके बाद हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स जिनका तना बहुत ही सॉफ्ट होता है और छोटा होता है, उनको हम हर्ब बोलते हैं। ये बहुत मौसम के हिसाब से होते हैं, जैसे पालक है, धनिया है, बैंगन है, टमाटर है, गाजर, मूली, घास, ये सभी इसमें आते हैं। क्लाइम्बस, ये भी अलग तरह के प्लांट हैं। इनका तना बहुत कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि ये अपने आप से खड़े नहीं रह सकते हैं, तो इनको ऊपर बड़ा चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी छड़ी की, किसी दीवार के सहारे यारे ये बड़े होते हैं, इनको हम क्लाइम्बर बोलते हैं। जैसे कि मनी प्लांट है, अंगूर की बेल है, मटर है, ये सभी क्लाइम्बर्स होते हैं। इसके बाद क्रीपर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये रेंगने वाले प्लांट होते हैं, मतलब इतना तना कमजोर होता है कि ये जमीन के साथ साथ ही बड़े होते जाते हैं और फैलती जाती है इनकी जो बेल होती है। जैसे पंपकिन का प्लांट है, वाटरमेलन यानी तरबूज और खीरा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, जो कि कांटे वाले प्लांट्स होते हैं। इनके तने पर कांटे होते हैं जो प्लांट को सुरक्षित रखते हैं जानवरों से, जैसे गुलाब है, प्लम है, नींबू है, बोगेनविलिया, ये सभी कांट वाले प्लांट हैं। इसके बाद वाटर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में ग्रो होते हैं, उन्हें हम वाटर प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि लोटस है, हयासिंथ है, डकवीड है। इसके बाद हम प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों के बारे में समझते हैं। प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है जो जमीन के नीचे होता है, स्टेम होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है, जिसमें कि पत्तियां, फूल, फल, ये सब चीजें आती हैं, और जड़ें जो होती हैं वो पेड़ के जमीन के नीचे की तरफ होती हैं। अब हम यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर में एक सीड वाले फ्रूट का नाम लिख सकते हैं और कुछ सीड जिसके अंदर पाए जाते हैं, एक से ज्यादा सीड जिसमें पाए जाते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, और थर्ड नंबर पे हम बहुत सारे सीड वाले फ्रूट का नाम लिख सकते हैं।